सर। जब कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर बात हुई युवाओं की, लेकिन चिंता क्या है खास तौर पर कांग्रेस के लिए? देखिए, चिंतन का मतलब चिंता से नहीं है, चिंतन का मतलब है विचार। हम विचार करके और क्या क्या नया कर सकते हैं जिससे हमारी ताकत बढ़े, संगठन की ताकत बढ़े और पार्टी 2014 के न केवल चुनाव में सफलता हासिल करे बल्कि आगे भी कांग्रेस मजबूती से बढ़े। इन सब के लिए चिंतन शिविर था, उसको बीजेपी जैसी पार्टी गुमराह करती कि चिंता शिविर था। चिंता शिविर उनके यहाँ होते हैं, चिंतन शिविर हमारे यहाँ होते हैं। तो चिंतन शिविर में हमने विचार विमर्श करके कि संगठन को क्या क्या नीतिगत बदलाव दी जाए, इसकी जयपुर शिविर की बहुत महत्व है क्योंकि इसमें हमने नीतिगत बदलाव के तमाम निर्णय लेने जा रहे हैं कि संगठन का प्रारूप क्या हो, संगठन में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता, कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव लड़ने वालों का एक रास्ता, संगठन चलाने वालों का एक रास्ता, वो कैसे निर्धारित हो, अनुशासन कैसे लाया जाए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का गठन कैसे किया जाए ताकि हम नीचे तक पहुंच सके, ग्राम कांग्रेस कमेटी तक कैसे हम पहुंच सके, और उसके अलावा जो है हम मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जनता तक कैसे पहुंचेंगे, महिलाओं को कैसे और साथ में जोड़े, जो कमजोर वर्ग है उनको कैसे और साथ में जोड़े, और देश के सामने जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां, उनका कैसे मुकाबला करें, पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया क्या हो और विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे रवैया क्या हो, ये सारी चीजें जो है विचार विमर्श के लिए चिंतन शिविर के माध्यम से यहाँ पे आई। और इनमें आमूल चूल जो है, जहाँ परिवर्तन करना वहाँ आमूल चूल परिवर्तन हो और जहाँ नीतिगत निर्णय लेने और नीतिगत निर्णय, इन सारी चीजों के बारे में फैसले हुए हैं। बढ़ती महंगाई चिंता का विषय नहीं है क्या? बढ़ती महंगाई बहुत चिंता का विषय है, इसीलिए जो है उससे मुकाबले के लिए भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आखिर 6 से 9 सिलेंडर जो गैस के किए, आम जनता को ध्यान में रखकर सोनिया जी ने निर्णय करवाया है, जबकि इसमें करीब 60,000 करोड़ सुपर भारत सरकार को अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो निर्णय लिया गया है। और डीजल डीरेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, जिस दिन विश्व बाजार में डीजल के दाम कम होंगे उस दिन यहाँ भी कम हो जाएंगे। अब ये कि विश्व बाजार के दामों के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा, जैसे पेट्रोल के आप देखते हैं किसी दिन 1 रुपया कम हो जाता, किसी दिन 25 पैसे कम हो जाता, किसी दिन 2 रुपया कम हो जाता, उससे डीजल जब विश्व बाजार में नीचे आएगा यहाँ भी नीचे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ाने के लिए किए, अपने आप घटेगा भी। तो ये दोनों चीजें जो है जिस प्रक्रिया को, इसलिए कहना कि महंगाई के मामले में सरकार बहुत सख्त है, पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आर्थिक मजबूरियां होती हैं। देश को आर्थिक गड्ढे में नहीं धकेल देना, देश को भी बचा के चलना है, तो इसलिए ये सारे कदम उस ढंग से लिए जाते हैं। सर, अगली कांग्रेस सरकार बिना गठबंधन के नहीं आ पाए? देखिए, गठबंधन की सरकार चलाना कांग्रेस के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन कांग्रेस ने उसे सफलता से कर दिखाया। आज 9 साल हो गए हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और सक्सेसफुली हमने स्थायित्व देश को प्रदान किया है, तो इसलिए कोई गठबंधन से हमें परहेज नहीं है। और किससे गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। अभी हमारा गठबंधन चल रहा, 2014 चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, नतीजे देने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए पहले से कोई गठबंधन की बात करना मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट। सर, आपको लगता है बिना गठबंधन के आप सत्ता में आ पाएंगे, इतना कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, हर पार्टी कोशिश करती है कि अधिक से अधिक सीटें लेके आए, और हम भी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक सीटें लेके आए, लेकिन हमें कोई गठबंधन से भी परहेज नहीं क्योंकि हमने 2 टर्म गठबंधन चलाया है। आपने पहले चिंतन शिविर में कहा कि एकला चलो, उसके बाद ये आया कि गठबंधन, अब इस तीसरे चिंतन शिविर में क्या निष्कर्ष निकला है, निचोड़ क्या रहेगा? एकला चलो का मतलब होता है कि हम जो है अधिक से अधिक अपनी मजबूती करें, लेकिन कई बार गठबंधन राजनीतिक मजबूरी होती है, और उसमें जब उस समय ये देखा गया कि हमें एक सेकुलर सरकार प्रदान करनी है, तो उस समय साथ लेके हमने बनाया और उसको सही चलाया, गठबंधन धर्म का निर्वाह किया, इसलिए गठबंधन से भी हमें कोई परहेज नहीं है। गठबंधन के लिए पार्टियों का चयन करते वक्त आप किन चीजों का ध्यान रखें, जैसे भ्रष्टाचार के कारण? देखिए, गठबंधन पार्टियों का चयन करते समय जिन चीजों का ध्यान रखा जाता है, सेकुलरिज्म, नेशनल इंटरेस्ट को देखने वाली, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, और इसके अलावा जो है उदारवादी, इन सब सारी चीजों का ध्यान रख के हम लोग चलते हैं। छोटे दल जो है वो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि छोटे दलों के लिए बीजेपी भी बोलती आई है, आपकी पार्टी? देखिए, छोटे दलों को लेके कोई हमें, देखो, हर एक को राजनीति में बढ़ने का अधिकार है,
कोई अगर राजनीति में बढ़ता है तो हम उसके ऊपर कैसे विरोध कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अगर वो अपनी ताकत से आ जाते हैं तो ठीक है, उनको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। राजस्थान में भी इस बार सपा अपना स्थायित्व बना रही है सवर्ण वोट बैंक को लेकर के। देखिए तरह तरह से हर तरफ लोग कोशिश करते रहते हैं, हमारा काम है अपना संगठन मजबूत बनाए, इसीलिए जयपुर शिविर बना कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो ताकि हम अपनी ताकत बढ़ाए। सपा का कहना है कि सवर्ण जो है उसका ध्यान नहीं रखती है, यहाँ कांग्रेस सरकार पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर यहाँ का एक बड़ा 72% तबका है वो नाराज है, कर्मचारियों का तो खास तौर पर नाराज है, खुलेआम सड़कों पर निकल आए, ये नहीं मानते आप एक चुनौती? नहीं, जहां तक आरक्षण का जो मसला है वो जितना संविधान में प्रावधान है उतनी आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आरक्षण की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो सबको साथ लेकर चलती है, चाहे सवर्ण हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो चाहे माइनॉरिटी हो चाहे महिलाएं हो, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। हम सबको साथ लेकर, ये किसी एक को साथ नहीं लेना और दूसरे को लेना ऐसा हमारा कोई व्यवहार नहीं है। नजरिया आरक्षण की बात है, पदोन्नति में जहाँ तक आरक्षण की बात है, पदोन्नति में जहाँ तक आरक्षण की बात, ये पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है। अब तो जो पार्लियामेंट से में कानून लाए गए जो राज्यसभा में पास हुआ है उसमें बल्कि हमने ये कर दिया है कि सिर्फ 22% पदों पे ही पदोन्नति में आरक्षण होगा, बाकी जो है 78% पर नहीं होगा। जबकि कुछ राज्यों में जहाँ लागू हुआ था वहाँ पूरा पूरा कर दिया था उन्होंने 100%, हमने तो बल्कि कैप लगा दी, एक रोक लगा दी है कि 78% पदों पर नहीं होगा, जिस चीज को लोग नहीं समझ रहे। दूसरी चीज ये कि ACR जो है जो उसकी चरित्र पंजिका उसको देख के ही प्रमोशन मिलेगा, वो 22% लोगों को भी जो मिलेगा उसमें भी चरित्र पंजिका देख के उसकी काबिलियत और उसकी योग्यता ACR देख के ही मिलेगा, ये नहीं कैसे जो है जिसको किसी को भी दे दिया, उसमें भी एक तरह से ये करके किया। और जो तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था उसी के आधार पर इसको किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ध्यान में रख के ये किया जा रहा। और दूसरे ये कि जो है कि जिन ऐसी जातियां जो अपने आप जो उठ गई हैं उनको कैसे उससे बाहर निकले, उस मामले में कोई निर्णय नहीं, क्योंकि उसमें एक बात सबके दिमाग में है कि भाई जिसके ऊपर एक बार उठप्पा लग जाता, इसलिए उस मामले में अभी कुछ नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट उस बिल में डाले गए। क्रिमिनल लेयर का मुद्दा भी डाल रहे हैं उस बिल में? क्रीमी लेयर का मुद्दा भी उसमें नहीं है, लेकिन ये कि ये सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण का, इसलिए क्रीमी लेयर नहीं, तो एंट्री पॉइंट में क्रीमी लेयर की बात आती है। नहीं, एंट्री पॉइंट नहीं, पदोन्नति में जो आदमी सेलेक्ट हो गया है जो अच्छे पद पर है उसको फिर दोबारा इसमें कहते हैं ना कि 22% में ही महदूद है, 78% लोगों पर नहीं लागू होगा। ठीक है, चिंतन शिविर पर लौटते हैं। चिंतन शिविर में आप मूल ध्येय क्या जारी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मूल वाक्य क्या रहेगा इसका? मूल ध्येय यही है कि भाई संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए और देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा उनको कैसे कांग्रेस आगे बढ़ के उनसे निपटे, और कैसे नीतिगत परिवर्तन संगठन के स्तर पर किए जाए और अन्य मुद्दों पर भी किए जाए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे समाज के कमजोर वर्ग को जोड़ने की बात हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो और चाहे हमारे आर्थिक और राजनीतिक सुधार हो। संगठन में कौन लोग, जैसे बात है प्रस्ताव है कि भाई जनरल सेक्रेटरी, पुलिस चीफ और DCC चीफ को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अगर लड़ना है तो वो पहले इस्तीफा दें। एक व्यक्ति एक पद नहीं, चुनाव, क्योंकि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो अपने व्यक्तिगत चुनाव में लग जाते हैं, बाकी चुनाव सफर कर जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसको ध्यान में रख के एक सुझाव है उसमें, अब वो देखिए उसमें क्या निर्णय होता है, लेकिन वो सुझाव उसमें आया है। अनुशासनहीनता को कैसे रोका जाए वो सुझाव भी आया है, नीचे तक ब्लॉक तक कैसे कांग्रेस के कई यहाँ गठित हों वो सुझाव भी आया है, यहाँ तक कि ग्राम कांग्रेस बनाने के सुझाव भी लोगों ने दिए, निर्णयों में जल्द ये देरी ना हो फैसलों में, एक बड़ी समस्या रहती है कि फैसले लटके रहते हैं, उनको जल्दी से किए जाए, ये भी उसमें प्रस्ताव आया, सुझाव आए, तो ये सारी चीजें हैं। और यूथ कांग्रेस और बड़ी कांग्रेस का कैसे समन्वय हो वो सब भी सुझाव आए हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, कार्डर बिल्डिंग कैसी हो, ये सारे सुझाव है उसके अंदर। सर एक आखिरी सवाल है, अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, भाई सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और कांग्रेस सफलता प्राप्त करे, और उनकी जिम्मेदारी यहाँ भी अहम हो, बड़ी हो जिम्मेदारी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जयपुर से एक अच्छा निर्णय होके जाएगा। अब वो कल ICC की मीटिंग है, उसमें तय होगा कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन अल्टीमेटली ये निर्णय सोनिया जी और राहुल जी पर निर्भर करता है कि वो क्या लेते हैं।
उनपे इस लड़ाई को हम लोग जो है छोड़ रहे हैं, हमने अपनी मांग अपनी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया। अगला चुनाव क्या उनको उनका फेस सामने रख करके लड़ा जाएगा ऐसा कुछ? देखिए हमेशा गांधी परिवार का फेस तो सामने होते ही, चाहे पिछला चुनाव चाहे अगला चुनाव, भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री का फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे और संसदीय दल करता है, तो कांग्रेस अध्यक्ष पे हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके नेतृत्व में राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़े ऐसी हमारी मांग है। शुक्रिया।